दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप ज्योतिष विज्ञान धर्म एवं राशिफल से संबंधित वीडियोस की जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप जरूर दबा दें, इससे हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों आज हम शंख के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर आपके घर में शंख है या पूजा घर में शंख आपके घर में रखा है तो आपके बहुत सारे लाभ ऐसे हैं जिनसे आप अनभिज्ञ हैं या आपको लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप यह जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों पूजा घर में पाया जाने वाला शंख एक पूजा करने की सामग्री है। इसको बजाने से एवं इसके जल का इस्तेमाल करने से आप सेहत से जुड़े एवं कई लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी और शंख दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। उसके अलावा बताया जाता है कि शंख में भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी दोनों अपने हाथ में इसे धारण करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। उसके साथ साथ शिव का अगर लक्ष्मी जी का शंख से अभिषेक किया जाए, शंख में पानी भरकर उनसे नहलाया जाए उससे, तो आपको उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। व्रत पुराणों में अगर शंख बजाया जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको फेफड़े में आपका व्यायाम होता है एवं पुराणों में इसका जिक्र भी मिलता है। श्वास रोधी अगर नियमित रूप से शंख बजाए तो उससे बीमारी से मुक्ति आपको पास मिल सकती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक शंख में ऐसे गुण होते हैं जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। अगर शंख की ध्वनि आपके घर के चारों तरफ जा रही है तो जो आपके घर में निगेटिव एनर्जी है वो दूर करता है शंख और पॉजिटिव एनर्जी को लाता है, हार्ट अटैक से बचाता है आपको। शंख की आवाज हृदय रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसे सुनने से हार्ट अटैक की समस्या बहुत ही कम हो जाती है। गुदा एवं प्रोटेस्ट, शंख बजाने से गुदा एवं प्रोटेस्ट सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है। गुदा की मांसपेशियां मजबूत होती हैं एवं पाइल्स तथा पुरुषों में प्रोटेस्ट से संबंधित बीमारियां नहीं होने पाती। स्किन प्रॉब्लम जिनको है, स्किन से जो परेशान है, एलर्जी एवं रैशेज, सफेद दाग के लिए शंख का जो पानी है, रात को आप शंख में पानी भर के रख दें एवं सुबह होने पर स्किन पर जहां पर ये दाग है वहां पर मसाज करें या सफेद दाग जहां है वहां पर इसको मसाज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर शंख की बात की जाए तो पूजा अर्चना के लिए लोगों को प्रेरित करता है। शंख की पूजा कामनाएं पूरी होती है अगर शंख आप बजा रहे हैं तो। आपके आसपास जो आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं, वो भटकती नहीं है। आयुर्वेद के मुताबिक शंख की भस्म का उपयोग पेट की बीमारियां, पथरी पीलिया आज के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है।